स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे चैनल study.com ऑन यूट्यूब पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाठ योजना संख्या 4 को लेकर के, जो कि आपके डीएलएड या बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर से संबंधित है। डीएलएड या बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में आपको 1-20 लेसन प्लान बनाने हैं, जिसमें से हमने प्रीवियस वीडियो में 1, 2 और 3 पाठ योजना को लेकर बात की है, जो कि आपके हिंदी और गणित विषय से संबंधित थे। तो आप हमारे होम पेज पे जा करके वहाँ से अपने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर लाइन से ही लेसन प्लान को लेकर बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गिनतारा विषय यानी गणित विषय से प्रकरण 1 अंक का जोड़, जो कि कक्षा 1 से है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर पाठ योजना संख्या अपने अकॉर्डिंग डालेंगे, ठीक है। इसे आप लाइन से भी डाल सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर लाइन से ही लेसन प्लान को लेकर चल रहे हैं। उसके बाद दिनांक यानी जिस भी डेट को आप लेसन प्लान बनाएंगे, यहाँ पर वो डेट मेंशन करिएगा, ठीक है। आप डेट देख सकते हैं 4/4/2019। यहाँ पर जितने भी लेसन प्लान बताए जाएंगे वो आपके नए होंगे, ठीक है। कक्षा 1 है और विषय है गिनतारा, यानी आप गणित भी डाल सकते हैं। उसके बाद चक्र तीसरा है, आप तीसरा डाल सकते हैं, या फिर अपने अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी मन है आप डाल सकते हैं। उसके बाद अवधि यानी टाइम पीरियड 30 मिनट है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सबसे पहला पॉइंट प्रकरण यानी टॉपिक। टॉपिक है आज का 1 अंक का जोड़, तो आज इसी टॉपिक से हम लेसन प्लान को कवर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सामान्य उद्देश्य यानी जनरल एम्स। तो सामान्य उद्देश्य की बात की जाए तो ये आपके विषय यानी गिनतारा विषय से संबंधित आप बच्चों को सामान्य जानकारियां देते हैं। जैसा कि इसमें पहला पॉइंट दिया है, छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है बालकों में तार्किक शक्ति का विकास करना। तीसरा पॉइंट है दैनिक जीवन में गणित का व्यवहारिक उपयोग बताना। चौथा पॉइंट है छात्रों को गणित के तथ्यों की जानकारी प्रदान करते हुए उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास करना। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो गई सामान्य उद्देश्यों को लेकर के, जो कि आपके विषय से संबंधित थे। आगे देखेंगे हम विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्यों की बात की जाए तो ये आपके प्रकरण यानी 1 अंक का जोड़ से संबंधित आप विशिष्ट जानकारियां लेकर चलते हैं। इसमें आप बच्चों को बताएंगे, इसमें आप लिखेंगे छात्रों को 2 अंकों का जोड़ बताना, ठीक है। यानी आप विशिष्ट चीजों को लेकर चलते हैं, छात्रों को 2 अंकों के जोड़ के माध्यम से आप अंकों की यानी गिनतियों की जानकारी भी देते हैं, ये भी आप विशिष्ट उद्देश्य में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद हम अगली हेडिंग देखेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री यानी TLM। यानी पाठ से संबंधित आप चीजों को पढ़ाते समय क्या कुछ उपयोग कर रहे हैं उसे आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं। जैसा कि इसमें दिया है विषय से संबंधित चार्ट एवं फ्लैश कार्ड, तो जो भी चीजें आप TLM में यूज करेंगे आप इसमें लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अगली हेडिंग पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज, पहले से छात्रों को क्या कुछ पता है। इसमें आप लिखेंगे छात्रों को 1 अंक की संख्याओं का पूर्व ज्ञान है, यानी छात्रों को 1 ही अंक की संख्याओं का पूर्णतया ज्ञान है, ये उनका प्रीवियस नॉलेज है, ठीक है। आगे देखेंगे हम प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न की बात की जाए तो बिल्कुल पाठ से संबंधित संभावित प्रश्न छात्रों से निकलवाने के लिए हम प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं। इसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। इसमें आपने पहला प्रश्न किया छात्रों 9 व 5 कितने अंक की संख्या है। छात्रों ने बताया 9 व 5 1 अंक की संख्या है। फिर आपने दूसरा प्रश्न किया 1 अंक की संख्याएं और कौन सी हैं। बच्चे बताएंगे 2, 3, 4, 5 जो भी 1 अंक की संख्या है वो बताएंगे, ठीक है। फिर आपने तीसरा प्रश्न किया, अच्छा बच्चों 3 व 4 को जोड़ने पर क्या आता है। ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न था, ठीक है। यहाँ पर छात्र निरुत्तर हो गए। अब यहीं से हमारा उद्देश्य कथन बनेगा। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे छात्रों आज हम 1 अंक के जोड़ का अध्ययन करेंगे, या आप लिख सकते हैं छात्रों आज हम 1 अंक के जोड़ का विस्तार पूर्वक या विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये था उद्देश्य कथन, जो कि आपके प्रकरण से संबंधित आएगा। आगे देखेंगे हम प्रस्तुतिकरण प्रश्न। यहाँ पर आप पाठ को यानी टॉपिक को पूरा समझाने चल रहे हैं, बताने चल रहे हैं बच्चों को, तो उसके लिए भी आप 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। इसमें आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। जैसे इसमें पहला पॉइंट है छात्र 2 संख्याओं को जोड़ने के लिए हम
ये धन यानी प्लस का चिन्ह लगाते हैं। फिर दूसरा है छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक पेन तथा उंगली दिखाकर पूछते हैं। इसमें क्या पूछा उन्होंने, उन्होंने पूछा यह कितने पेन हैं। बच्चों ने बताया 3 पेन है। यहाँ पर छात्राध्यापक ने 3 पेन दिखाए तो बच्चों ने बताया होगा। फिर चौथा पॉइंट, फिर छात्राध्यापक ने पूछा यह कितने पेन हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न किया, बच्चों ने बताया 4 पेन हैं। इस तरह पांचवा प्रश्न किया, 3 और 4 पेन को क्रमशः मिलाने पर कितने पेन हो गए, ये फिर से छात्राध्यापक ने पूछा। तो बच्चों के लिए यह समस्यात्मक प्रश्न हुआ, इसका उत्तर उन्हें नहीं पता, इस पर आप स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में आप बताएंगे बच्चों को, बच्चों 3 और 4 पेन को जोड़ने पर 7 पेन प्राप्त होंगे, अतः संख्या 3 व 4 को जोड़ने पर भी 7 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह आपने एक अंकों के जोड़ को बच्चों को स्पष्टीकरण के माध्यम से बताया। ठीक है, यहाँ पर हो गया स्पष्टीकरण समाप्त। आगे देखेंगे हम श्यामपट्ट कार्य यानी ब्लैक बोर्ड वर्क, जिसे आप ब्लैक चार्ट को काट करके व्हाइट स्पार्कल पेन से भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आपके पास व्हाइट पेन या ब्लैक चार्ट नहीं है तो आप बिल्कुल ऐसे ही ब्लैक पेन से बॉक्स खींच लीजिएगा, इसमें पेंसिल कलर से, ब्लैक पेंसिल कलर से ऐसे कलर करके चीज़ें बिल्कुल जैसे फर्स्ट पेज पे किए हैं वैसे करिएगा। ये जो तरीका है थोड़ा सा गलत है, यहाँ दिनांक होगा, यहाँ इसके नीचे विषय, फिर प्रकरण। ठीक है, यहाँ पर कक्षा, चक्र, अवधि, जैसा कि ये पढ़ा है ऐसे साइड में इधर भी पड़ेगा, तो ये सही तरीका होता है। चूंकि आप जानते हैं 20 लेसन प्लान बनाने रहते हैं तो बच्चे जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की ही कोशिश करते हैं, लेकिन आप चीजों को सही से बनाइए जितना भी करिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप दिनांक डालेंगे, जो भी दिनांक आप लेकर चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद विषय है आपका गिनतारा, ये विषय यहाँ पर आएगा नीचे। ठीक है, यानी गणित। उसके बाद प्रकरण क्या है, एक अंक का जोड़, तो आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद कक्षा पहली है, चक्र तीसरी है और अवधि 30 मिनट। तो ऐसे ही आप लाइन से चीजों को मेंशन करेंगे। उसके बाद मैंने आपसे कहा है कि आप कोई भी प्रश्न दे सकते हैं ब्लैक बोर्ड वर्क में, दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पर गृह कार्य दिया है तो आपने दिखाया है सरल करो, इसमें आपने चीजें लिख दी हैं, बच्चे से घर से करके लाएंगे, तो ये चीज आप दर्शाते हैं कि आपने ब्लैक बोर्ड कार्य कैसे किया है या दिखाया है, तो आप बिल्कुल ये चीजें सही से लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे मूल्यांकन कार्य। मूल्यांकन कार्य यानी एक तरह से आपका बोध प्रश्न है। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे सरल करो, जैसे आपने 2 एप्पल बना दिए, ठीक है, इसको काउंट करके बच्चे यहाँ लिखेंगे। उसके बाद 3 गोले बना दिए, इसको काउंट करके बच्चे लिखेंगे। उसके बाद जब आपने त्रिभुज बना दिया या कैप बना दी तो बच्चे इसे काउंट करके लिखेंगे। इसके माध्यम से बच्चे चीजों को अच्छे से समझ सकेंगे, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, वो डायग्राम के माध्यम से जल्दी समझते हैं, तो इससे उनका बौद्धिक स्तर जांचने में भी ज्यादा कठिनाई नहीं आएगी, तो आप चीजें ऐसे ही बिल्कुल देंगे। ठीक है, आगे देखेंगे हम। उसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे निरीक्षण कार्य यानी ऑब्जर्वेशन। इसमें आप लिखेंगे जब छात्र श्यामपट्ट व मूल्यांकन प्रश्न अपनी उत्तर पुस्तिका में हल कर रहे होंगे, तब छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका जो होंगी वो कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगी व आवश्यकता अनुसार छात्रों की सहायता भी प्रदान करेंगे। निरीक्षण सही कर लीजिएगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो ये कार्य आप स्वयं करेंगी यानी छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका। फिर अगली हेडिंग डालेंगे आप अभ्यास कार्य। इसमें आप टॉपिक का रिविजन करवाएंगे बच्चों को। इसमें भी आप बच्चों को कोई भी प्रश्न दे सकते हैं अपने हिसाब से, अदरवाइज जो जैसे मैंने बताया है आप ऐसे कॉपी कर सकते हैं। इसमें आपने पहला जैसे प्रश्न दिया गिनो और बताओ, फिर वही चीजें दे दी, एक डायग्राम के माध्यम से बॉक्स बना दी, बच्चों को आप कहेंगे कि गिनो और लिखो यहाँ पर कितने हैं। फिर इसी तरह आपने दूसरा प्रश्न दे दिया ये कैप वगैरह बना करके, इसे भी जोड़ना है, बच्चे जोड़कर बताएंगे। तो इस तरह आप रिविजन वर्क क्लास में ही बच्चों का करवाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे सबसे लास्ट गृह कार्य यानी जिसे आप होमवर्क कहते हैं। इसमें लिखेंगे हल करने को, क्योंकि आप एक अंकों का जोड़ लेकर चल रहे हैं तो बच्चे से जोड़कर लिखेंगे। आप इसे होमवर्क में देंगे यानी गृह कार्य के लिए। जैसे आपने पहला प्रश्न दिया 3+4, दूसरा प्रश्न है 5+3, ये अपने हिसाब से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आप नेक्स्ट डे से चेक करेंगे बच्चे कितना सही करके लाए हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा लेसन प्लान नंबर 4 कम्प्लीट हो जाएगा। लास्ट में आप क्या करेंगे, आप अपने प्रधानाध्यापक से
स्कूल की प्राथमिक विद्यालय के मुहर लगवा करके अपने हेडमास्टर से साइन करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पाठ योजना संख्या पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पाठ योजना संख्या 5 को लेकर के, जो कि आपका हिंदी विषय से संबंधित कक्षा 2 का है और प्रकरण रहेगा 2 अक्षर से मिलकर बनने वाले शब्द। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आशा है दोस्तों आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल study.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट के माध्यम से आप अपने जो भी क्वेश्चन है उनको पूछ सकते हैं, अपने सुझाव भी दे सकते हैं, साथ ही वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।